नमस्कार सकाळ खबरु आजर विवरणी पाठ करुछि। आजर विवरणी पाठ करिबा पूर्वरु श्रद्धालु भक्त मानक पई पदे काही राम काही राम राम ठारु राजा नाही काही सीता काही सीता सीता ठारु सती नाही। हाँ श्रोता बंधु हिंदू धर्मर पुराण रे वर्णित अछि वर्षर मास मानक मध्यरु कार्तिक मास हेउछि धार्मिक मास। एही मास रे विभिन्न देवादेवी को पूजा आराधना करी महापापुरु तरीजीबा पाई नररूपी मानव पुराण पाठ करी संध्या समय रे मां वृंदावती मूल रे दीप लगाई पुण्यलाभ करिथांती। आज एही प्रहरी मंडप रे प्रभु श्री राम को चरित्र उच्चारण रे भक्तिमय रे सुवासित हेतुबा अनुमय होछि। प्रभु श्री राम को पाठ परायण गत 29 तारीख टू आरंभ होई 8 तारीख रे समापन होछि। श्री राम को चरित्र पुराण पाठ सुनिबा पाई श्रद्धालु को भिड़ देखिबा को मिलिछि। एही रामचरित मानस पाठ पाई अबाध दास एही रामचरित मानस पाठ पाई अबाध दास पढ़ुथिबा बेले संत जगन्नाथ दास भक्त मान को प्रवचन सुनाई श्रद्धालु मन मोहि नेउथिले। एही मंडप रे प्रभु श्रीराम मां सीता ठाकुराणी भाता लक्ष्मण और अंजना सुत वीर हनुमान मूर्ति स्थापन करी पूजा आराधना चलीथिला। एही पूजा रे 54 गोटी कलश स्थापन करा जाइथिला। मां वृंदावती चौरारे दीपदान करी धार्मिक मास कार्तिक रे कार्तिक पुराण पाठ करिथिले पंडित उपेन्द्र पंडा। प्रभु श्री राम को मानस चरित दीर्घ वर्षरु पालन होइ आसुथिबा बेले पूर्वतन कर्मकर्ता स्वर्गत आशुतोष बेहरा अकाल वियोग परे दीर्घ दिन बंद रहिथिला। चलित वर्ष एहा पुणी श्रीमान अबाध रामदास स्वीकृति और समय प्रदान क्रमे श्री राम चरित पाठ आरंभ करा जाय भक्तिमय परिवेश रे राम कथामृत श्रद्धालु को श्रवण पाद करा जायथिला। एही रामचरित कथामृत परिवेशन कार्यक्रम रे कर्ता भावे ज्योतिमय राउत और तांक सहधर्मिणी माधवी बेहरा कार्यभारर दायित्व तुलाइथिले। अन्य महिला भक्तमानक मध्यरे आशालता साहू लीजा साहू ज्योत्नारायणी साहू लिप्सा साहू रहिथबा बेले पुरुष भक्त भावे चित्रसेन मसरा मोहनलाल मसरा डम्बरु भोई रंगाधर भोईं सह बहु भक्त रामचरित पाठ रे सहयोग करी प्रभु को कृपा लाभ करथिले। सर मो पूजक उपेन्द्र कुमार पंडा एठी मो पूजा करू छी। सर आज जन पूजा चली छी प्रभु को ओम राम लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापते सुंदरं काकुस्तं करुणाकरं गुणनिधे विप्रप्रिय धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिमं वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रघुनारिमं। आज्ञा आज जन पूजा चली प्रभुंर से विषय टीको सर ये पूजाटा आगुरी चलुला कुरशलगुर आशुतोष बेहरा करुले से देहांत परिसर किसी वर्ष बंद होता पुणी ए वर्ष ओपनिंग होटा रास पूर्णिमा हेतु कार्तिक पूर्णिमा उपलक्षे ये पूजाटा कराऊ। ये पूजाटा आमर 31 तारीख कलश जात्रा होता आउ 1 तारीख रु पारायण स्टार्ट होता आउ यहाँ प्रत्येक वर्ष ये करने चाहसन बस्ती बोले कैसे कलश स्थापन सर एठी प्राय तो 54 कलश स्थापन सर एटा गत वर्ष भी थिला कि पूजाटा ना से आशु बेहरा पई का बंद ही थिले एटा सर कार्तिक पूर्णिमा उपलक्षे आ कार्तिक पूर्णिमा को नहीं कि एटा कोन संयोग अछि कि पूजा रो पूर्णिमा उपलक्षे होची किंतु प्रथम रे वृंदावती पूजा होची आ प्रथम रे कार्तिक महात्मा पाठ पुराण पठन होची तापर पर रामायण पढाई होची। केते दिन खटे चली छि एटा 9 दिन सर काली के समापन अछि चंद्रग्रहण हेतु आज पूर्ण होत हे होची। चंद्र बेहरा धर्मगढ़ सर आज जेन प्रभु जेन रामचरित मानस चली तार विषय किसी कहन रामचरित मानस ये 98 मसीह आरंभ है प्रथम यहाँ आम कले आशुतोष बेहरा देहांत हो गला अकस्मातिक देहांत है दीर्घ 2 वर्ष 3 वर्ष है बंद हो जाता पुनर्वर से सहयोग परामर्श जो बौद्धिक दौले से आम फेर दुखित थी 3 वर्ष काल ए वर्ष फेर आरंभ करा कार्तिक मस रे प्राय आम आरंभ कर समस्त खरा मस राम सागर मस कि ये कार्तिक मसे प्राय प्राय कौ मस 15 दिन निर्धारण करुँ
ଏ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ରାମାୟଣ ଆଉ ତୁଳସୀ ପୂଜା ବୃନ୍ଦା। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇ ପୂଜାରେ କ'ଣ ତାର ସଂଯୋଗ ଅଛି କି ସାର୍? ହଁ, ପୂଜା ସହିତ ନାହିଁ, ପୁରା ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖିଲେ ରାମ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ରାମ, ସେ କୃଷ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ରାଉତ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା। ଆପଣ ପୂଜା ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ତୁ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଏ ହେଉଛନ୍ ଆମର ଇଷ୍ଟ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ରାମଚରିତ ମାନସ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ରାମଚରିତ ମାନସ। ଆଉ ଏ ରାମଚରିତ ମାନସ ଯେଉଁଠୁ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ହେଇଛି, ପୁରା ସମସ୍ତ ଏଇ ବସ୍ତିପଡ଼ାଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ଦିନଠୁ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ପୁରା ପରିବେଶ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗ ଯେଉଁଭଳି ଆଗ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ଆମର ବାତାବରଣ ରାମମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଅଯୋଧ୍ୟା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କେତେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି? ପୁଣ୍ୟ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେହାନ୍ତ ହେବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁଟା ଯଦି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଭକ୍ତିଟା, ଆଉ ଯଦି ହାଣ୍ଡି ଚକଟି ହେଇକି ଗଲେ ସେଟା ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ପାପ ଆତ୍ମା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।